जोहार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रूफिंग टूल्स, डॉक्यूमेंट प्रूफिंग की। तो फ्रेंड्स, प्रूफिंग का यूज़ हम करते हैं एक से ज़्यादा पेज में स्पेलिंग एरर्स को चेक करने के लिए। मतलब सपोज़ आपका डॉक्यूमेंट 100 पेज का है, 200, 300, 500 या 1000 पेज का, ठीक है। आप एक कंटेंट राइटर हो, ओके, और आपका डॉक्यूमेंट सपोज़ 500 पेज का है या 1000 पेज का है, ठीक है। तो आप क्या करोगे स्पेलिंग एरर्स या ग्रामर एरर को चेक करने के लिए, ठीक है। या तो आप एक एक करके हर पेज में जाकर चेक कर सकते हो और एरर को रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप प्रूफिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, टू रिमूव योर एरर्स। तो वो कैसे करते हैं, सो लेट्स डू द प्रैक्टिकल। ओके, आपको क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन कर रखी है, ओके। आप इस वीडियो को क्या है पॉज करके देख सकते हो, सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, आप मेरे ब्लॉग पर जा सकते हो, ठीक है ना। आप मेरे ब्लॉग पर जाओगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने नोट कर रखा है वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से चेक कर सकते हो, अगर एक बार इसको पढ़ लोगे ना तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हैं। आपको क्या करना है, आपको रिव्यू टैब पर जाना है, रिव्यू टैब पर क्लिक करना है, ओके। अरे क्लिक हो जा, ओके। जो फर्स्ट ग्रुप है प्रूफिंग ग्रुप, प्रूफिंग ग्रुप में जाना है, ओके। स्पेलिंग और ग्रामर में क्लिक करना है, ओके। तो ये एक पैराग्राफ है, इसमें बहुत ढेर सारे एरर्स हैं, ओके। ये तो एक पेज है, सपोज़ आपका पेज, जैसे मैंने बताया आप कंटेंट राइटर एक, ठीक है, और आपका पेज 1000-2000 पेज का है, तो आप क्या करोगे, एक ही पेज में जाके चेक करोगे, कर सकते हो। लेकिन जब आप यूज़ कर रहे हो एम एस ऑफिस 2019 या 2022 का या 2021 का, तो आप स्मार्ट अप्रोच यूज़ करो, ठीक है। आप यूज़ करो प्रूफिंग टूल का। प्रूफिंग टूल आपको क्या कहते हैं, वो लिबर्टी देता है टू रिमूव योर एरर्स, ठीक है, एट वंस, जितने भी डॉक्यूमेंट में आपके एरर हैं A to Z, ठीक है, एक से लेकर बिल्कुल आखिरी पेज तक, ठीक है। आपको जाने की जरूरत नहीं है, बाय यूजिंग प्रूफिंग टूल्स आप अपने सारे एरर्स दूर कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो स्पेलिंग एरर हो चाहे ग्रामर एरर हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो फर्स्ट एरर से, ठीक है, और ये चेक करता है एरर स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले ये चेक करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे करके, जैसे मैंने क्लिक किया, कहाँ तक गया, मैंने रिव्यू पे क्लिक किया, फिर ग्रामर और स्पेलिंग पे, ठीक है। तो ऐसा आपका एक टूल खुल के आ जाएगा, ठीक है, साइड में। सबसे पहले लाइन क्या कहता है, ये बता रहा है इस एरर के बारे में, WEN के बारे में, ये क्या है, ग्रामर एरर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वॉइस भी आएगी आपको, ठीक है। उसके बाद ये सजेशन दिया हुआ है कि आप इसको क्या चेंज कर सकते हो, इसका मतलब क्या है, WEN कोई वर्ड होता नहीं है, ठीक है, ये होता है वैन। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है, जैसे लिखा हुआ इग्नोर वंस, आप इसको इग्नोर कर सकते हो एक बार, ठीक है। एक बार आप इग्नोर कर दोगे ना तो फिर से ये एरर आ जाएगा, ओके। तो अब क्या करो, आप इसको यहाँ पे क्लिक कर दो वैन, तो ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे पहला एरर करेक्ट हो जाएगा, ये जो आपका जो प्रूफिंग टूल है ना, ये स्मार्ट है, ठीक है, ये दूसरे एरर पर जंप हो जाएगा, जैसे यहाँ पर यंगर पर आ गया, ठीक है। ये कैसा एरर है, ये स्पेलिंग एरर है, ये आपको बता देगा कि ग्रामर एरर है या स्पेलिंग एरर है, ठीक है, आप उसे चेक कर लो। ऐसे ही आप करते जाओ, ओके। आपके हिसाब से जो ऑप्शन आपको करेक्ट है आपको वो चूज़ करना है। इसके अलावा आपको ये तीन ऑप्शन और मिलेंगे, इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल और ऐड टू डिक्शनरी, ठीक है, आप इन तीनों का भी यूज़ कर सकते हो, ओके। जैसे मैं सही करते जा रहा हूँ, राइट, आपको कुछ पिछली पेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्लिक, आप क्लिक करते जाओ, सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगे, सारी चीज़ें जितने भी स्पेलिंग हैं, ग्रामर है, सब चेक हो जाएगा, ओके। इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। जब आप एम एस ऑफिस 2019 या 2021 का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इससे पहला जो वर्जन था उसमें होता हो ऑप्शन, लेकिन 2019 और 2021 में आपको ये ऑप्शन मिलेगा प्रूफिंग का, ओके। तो आप इस तरह का यूज़ करो और आपके जो डॉक्यूमेंट में जितने भी एरर हैं, ठीक है, प्रिंट करने से पहले, डॉक्यूमेंट को सबमिट करने से पहले, उसको एक बार चेक कर लो, ठीक है, उसको इम्प्रूव कर लो अगर कोई एरर है तो, बाय यूजिंग प्रूफिंग टूल्स, ठीक है। आप देख रहे हो ना, मैं किसी पेज को मतलब पेज को मैं स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा हूँ, नीचे या ऊपर में नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे बस प्रूफिंग टूल्स का यूज़ करते जा रहा हूँ और मैं सारे एरर को चेक कर रहा हूँ, ठीक है, विदाउट सीइंग एनीथिंग, ओके। पेज ऑटोमेटिकली स्क्रॉल भी हो जाएगा, ऑलराइट।
जैसे सारे एरर चेक हो जाएंगे ना, आपको ऐसे कि मैसेज बॉक्स दिखेगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर इज कम्प्लीट, ग्रामर चेक इज कम्प्लीट। ओके, बस मतलब आपका डॉक्यूमेंट जो है एरर फ्री हो गया है, सारे एरर जो है स्पेलिंग एरर या ग्रामर एरर जो है रिमूव हो गया है। तो जैसे मैंने रिमूव किया, आप भी ऐसे कर सकते हो प्रूफिंग टूल्स का यूज़ करके। ऑलराइट, कोई भी स्पेलिंग एरर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, कोई भी रेड लाइन आपको दिखाई नहीं दे रहा या ब्लू लाइन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आप स्मार्ट अप्रोच। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो शॉर्टकट की है प्रूफिंग का, ठीक है, प्रूफिंग टूल को ओपन करने का, जो मैंने ओपन किया था ना डायलॉग बॉक्स, जो अभी ओपन था साइड में जो दिख रहा था टूल्स जो ओपन था, शॉर्टकट की है F7, ओनली F7। आप क्लिक करो F7। ओके, कोई एरर नहीं है तो प्रूफिंग टूल जो है ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ से देख लेते हैं, रिव्यू में गए, स्पेलिंग ग्रामर में चाहे, ठीक है, जब कोई एरर होगा तो वो ओपन हो जाएगा। सपोज यहाँ पर मैं एरर कर देता हूँ, मैं एक जगह ई कर देता हूँ ग्रामर में। ऑलराइट, तो जैसे ही एरर आ गया मैं दबाऊँगा F7, आ जाएगा इम्प्रूव कर दो। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे गुड नोट के साथ वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये जो नोट डाउन किया ना डेटा मैंने, ये आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा, ठीक है। और उस ब्लॉग पे आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू एमएस ऑफिस और एमएस ऑफिस सूट में जितने भी टूल्स होते हैं ना, जितने भी ऐप हैं, जैसे कि पावर पॉइंट या एक्सेल या एमएस वर्ड से जैसे जितने भी डेटा है आपको वहाँ मिल जाएगा, जो आपकी जो आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो आप वो सब भी चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।